चान की ये दूसरी पुस्तक है जो 2015 में प्रकाशित हुई थी, जो लघु कथाओं का एक और संग्रह है और इसे आलोचकों की प्रशंसा भी मिली थी। स्क्रॉलिन पुस्तक को 2015 में पढ़ने के लिए बेस्ट 5 बुक्स में सूचीबद्ध किया। इस पुस्तक के साथ निखिल को आउटलुक और द क्विंट में भी चित्रित किया गया था। यह पुस्तक आज तक की 2015 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की सूची का भी हिस्सा थी। पुस्तक में 144 पेज है। तो करेंगे बुक पर बात, लेकिन बिफोर वॉचिंग वीडियो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय, आई एम ओशी साहू एंड यू वॉचिंग बुक बाज। जिंदगी आई स्पाइस एक लघु कहानी संग्रह निखिल की पहली पुस्तक नमक स्वाद अनुसार की सफलता के बाद दूसरी पुस्तक है। इस पुस्तक में निखिल इसमें अपने पाठकों को एक ऐसे यात्रा पर ले जाना जारी रखता है जो बुनियादी मानव अस्तित्व की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करती है। प्यार की पहेलियों की, बचपन की खोई हुई और मिली हुई रिश्तों की, प्यारे 90 के दशक की, हमारे दिन प्रतिदिन के परीक्षणों की। निखिल के पात्र बेहद रिलेटेड हैं और उनकी कहानियां, उनकी आवाज जो आपकी अपनी कहानियां बयां करती हैं। यह पुस्तक आपको गर्मियों की धूप की गंध की याद दिलाती है जो बगीचे के पत्तों से टकराती है और आपके एक दयालु और सरल समय में वापस ले जाती है। एक IIT वाला युवा और इंजीनियर हिंदी में इतना ह्यूमर पैदा कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। निखिल ने ये सब किया है। निखिल खुद कहते हैं, लिखना मेरे लिए बस रोमांटिसाइज करना भर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि रोमांस मेरी पूरी शिद्दत से किया और अभी तक कर पा रहा हूँ। स्मार्टफोन, ईमेल, मीटिंग्स, लैपटॉप और एम्बिशन के मकर जाल में रोजगार बुनते बुनाते और मेरे पूरे प्रोफेशनलिज्म निभाने की फायद के बीच जब भी समय मिला लिखता रहा, सुधारता रहा, पढ़ता रहा और सीखता रहा। आपको हम बुक से लिए गए कुछ वाक्य सुनाते हैं। विक्कू हरामी था और इसकी कोई वजह न थी। ये कल के लौंडे जो पहले उन्हें भैया भैया कहते नहीं थकते थे, उनके ईमान धर्म का जॉनी लीवर क्यों हो गया है? हाँ, वो आखिर कादर खान की तरफ है या गोविंदा की तरफ? नैंसी को पॉपिन से लेकर रंगीन लट्टू तक का लालच दिया गया, लेकिन उसका ईमान ही नहीं डगा। उसने आशिकी की ऑडियो कैसेट का ऑफर भी ठुकरा दिया, क्योंकि अब वो राहुल रॉय पर जान नहीं छिड़कती थी। जुनून देख लेने के बाद उसे राहुल रॉय पागल और डरावना लगने लगा था। एक बार फिर नानू और सुबू का अंगूर जैसा मुंह सिकुड़ गया और किशमिश हो गया। उस वक्त गूगल नहीं होता था, पर पापा होते थे। ऐसी ही एक चिट्ठी किसी ऐसे ने लूट ली जिसे पढ़ना नहीं आता था, और उसने किसी और से वो चिट्ठी डरकर इसलिए भी नहीं पढ़वाई क्योंकि पढ़ लिए जाने से चिट्ठियां चिट्ठियां नहीं रहती, कागज का टुकड़ा हो जाती है। वो इस बात से भी अनजान था कि एक चिट्ठी हवा में ही फूट गई थी, शायद उस रात हवा में चुभन कुछ ज्यादा होगी। निखिल सचान ने बचपन से शुरू किया और बुढ़ापे पर किताब को खत्म किया। ये उस आइस पाइस की तरह मानी जानी चाहिए जिसे बच्चे खेलते हैं। लेखक यहाँ मामूली अनुभवों का अहम बनाता चला गया। किताब की ये ताकत है कि लेखक ने इसे बेतरतीब से डाला है, मतलब बिल्कुल सिंपल। इन्होंने कल्पना का वो झाड़ नहीं उगाया जो वास्तव में तो होता नहीं है, बस किताब में पटक दिया जाता है। किताब की भाषा बेहद ही रोचक है, मतलब बिल्कुल शुद्ध और देसी। कहानी तो अच्छी ही है जो हमारे अंदर जुड़ाव बनाए रखती है। ये किताब हर वर्ग के लिए है, क्योंकि कहानियां है कोई ज्ञान नहीं जो साइंस और कॉमर्स में बट जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सायोनारा।